नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई की फ्लाइटों के बारे में। जी हाँ भाई, फ्लाइटों के बारे में भी बात करेंगे। दुबई पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है उसके रिलेटेड भी बात करेंगे भाई कि आपको पता है विजिट वीज़ा बंद है, लेकिन अभी थर्ड कंट्री के द्वारा आप जा सकते हैं। उसमें मेरा जो पर्सनल आइडिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरीके से, जैसे दुबई सीधा जाते हो उसी तरीके में उसी पैसों में आप दुबई तक पहुंच सकते हैं, कौन सा तरीका हो सकता है। फ्लाइटों के बारे में, वीज़ा के बारे में भी बात करेंगे। और भाई सबसे पहले ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान जयपुर से, जी हाँ, दुबई और शारजा के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड भी बात करेंगे, कौन सी फ्लाइट कब तक है पूरी डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई राजस्थान की, जो न्यूज़ आज निकल के आई है। आपको पता है भाई राजस्थान जयपुर में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सबको पता है। यहाँ से दुबई जाने वाली फ्लाइटें बंद थी। जी हाँ, आ सकती थी, जा नहीं सकती, आप सबको पता है। जो लोग बेचारे अभी जा रहे हैं, राजस्थान के बहुत सारे लोग गल्फ देशों में रहते हैं, वो दिल्ली से उनको जाना होता है। जी हाँ, तो दुबई जाने वालों के लिए भाई आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, अभी फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं दुबई के लिए और शारजा के लिए। जी हाँ, तीन फ्लाइटें चलेंगी, दो फ्लाइटें दुबई के लिए, एक शारजा के लिए। हम डिटेल से बात करेंगे कि भाई किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आप मान लीजिए राजस्थान जयपुर से फ्लाइट से जाना चाहते हैं दुबई और शारजा के लिए, जी हाँ, तो तीन फ्लाइटें हैं भाई टोटल, दो दुबई के लिए हैं, एक शारजा के लिए। जी हाँ, इसके लिए मैं बता दूं आपको प्रोसेस क्या रहेगा। आपके पास में PCR टेस्ट है वो तो आपके पास 48 आवर्स का है, वो तो आपको होना ही है आपके पास में। जयपुर एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट भी आपको सुविधा दे दी गई है। जी हाँ भाई, राजस्थान में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रैपिड टेस्ट की सुविधा आपको मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बिल्डिंग में अलग से जो प्राइवेट प्रयोगशाला हैं उनको आवेदन मांगे हैं कि भाई कौन किस तरह से क्या करेगा प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है फ्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं कितनी तारीख से, 4 सितंबर से। जी हाँ, उससे पहले पहले रैपिड की व्यवस्था हो जाएगी जयपुर एयरपोर्ट पर। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है ये, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है भाई। जो लोग दुबई और शारजा जाना चाहते हैं वो इन फ्लाइट से जा सकते हैं। पहली बात कर लेते हैं अगर फ्लाइट कब कब की है तो बता दूं 4 सितंबर को फ्लाइट है, जी हाँ, दुबई के लिए। उसके बाद में 8 सितंबर को फ्लाइट है, और उसके बाद में 11 सितंबर को फ्लाइट है, उसके बाद में 15 सितंबर को फ्लाइट है 4:30 से 6 बजे के बीच में। जी हाँ, ये टिकट आप बना लेते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट रहेगी भाई। जी हाँ, आपका कोई अगर टिकट बना ली तो चेंजिंग नहीं होगा, अगर आपने रिफंड मांगा तो रिफंड नहीं होगा भाई, ये आप पहले ध्यान रख लीजिए इन बातों का। जी हाँ, आप जयपुर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले, शारजा जाने वाले, आप जहाँ से भी आप टिकट बनाते हैं वहाँ से कन्फर्म कर लीजिए, बाकी टिकट फाइनल हैं। आज की एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, कोई इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने टाइम से भाई राजस्थान जयपुर से फ़्लाइटें बंद थी, लेकिन दुबई अथॉरिटी ने अभी जो नियमों में ढील दी है उसको देखते हुए यहाँ से जयपुर से फ्लाइटें स्टार्ट कर दी गई हैं। जी हाँ, ये बता दूँ सप्ताह में 3 फ्लाइटें हैं भाई, ये नहीं कि ये बस 3 ही जाएंगे, सप्ताह में 7 दिन में 3 फ्लाइटें हैं, 2 हैं दुबई के लिए, 1 है शारजा के लिए। तो आप अपने हिसाब से 4 सितंबर की फ़्लाइट है, 8 सितंबर की फ़्लाइट है, और 15 सितंबर की फ़्लाइट है, और एक बीच में 11 सितंबर की फ़्लाइट है। जी हाँ, इन फ्लाइटों को आप RT-PCR रिपोर्ट ले लो, एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट हो जाएगा जिसकी कीमत समथिंग 3,000 के करीब होनी चाहिए, बाकी आप अपने स्तर पे कंफर्म कर लें। और भाई कोरोना टेस्ट का, वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट का उनका कोई चक्कर नहीं है, तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनके वैलिड वीज़ा हैं, जिनको IC अप्रूवल वगैरह है या फिर GDRF अप्रूवल मिल रहा है, तो वो जा सकते हैं। और उम्मीद है कि इन्हीं फ्लाइटों में लोग विजिट वीज़ा भी जाएंगे, क्योंकि विजिट वीज़ा स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं भाई, देखिए गल्फ देशों में 6 देश हैं, दुबई, सऊदी, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर। जी, इनमें 3 देशों ने फ्लाइट स्टार्ट कर रखी हैं, किन्हें? दुबई ने तो आधी थोड़ी स्टार्ट है भैया, मान लो थोड़ी नहीं है। जी हाँ, बहरीन, कतर और ओमान, उन्होंने फ्लाइटें 3 ने स्टार्ट कर रखी हैं। सऊदी, कुवैत और दुबई, इन लोगों ने फ्लाइटें बंद करके रखी हैं इन देशों ने। जी हाँ, लेकिन दुबई सबसे, इन सऊदी और कुवैत तो भाई विजिट में कौन जाता है। हम दुबई की अगर बात करें कि लगभग लोगों को विजिट में दुबई जाना होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दुबई ने ये बोल के रखा है कि भाई 14 दिन दूसरे देश में बिता के फिर हमारे देश में आप आओ, तो एक महंगा सौदा पड़ जाता है। जी हाँ, इसका मेरी तरफ से एक अल्टरनेट उपाय मैंने मेरे माइंड में आया, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूं। मान लीजिए कि दुबई ने ग्रीन कंट्री, ग्रीन लिस्ट में जिन देशों को डाल रखा है उसमें ये भी फाइनल है कि भाई कतर भी है, ओमान भी है और बहरीन भी है। लेकिन कतर की अगर बात करें या फिर और भी कोई देशों में बात करें, तो यार आपके जानकार लोग तो वहाँ रहते होंगे, मेरी आइडिया बता रहा हूँ मैं,
जो आपके जानकार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, गांव के, मोहल्ला का कोई भी आपका बंदा वहां पे रहता होगा, तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि यार मेरा विजिट वीज़ा में आप 14 दिन दूसरे देश में गुजारने पड़ेंगे, तो आप उनसे बात करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 14 दिन क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ। अगर आप मान लीजिए यहाँ से कतर चले जाते हैं थोड़े टिकट का एडजस्टमेंट करके, और कतर जाकर आप 14 दिन वहाँ पे रहोगे, तो आपका होटल का खर्चा, रहने का खर्चा बच जाएगा, और रहना आपको, रहना इंडिया में घर में है, रहना आपको वहाँ पे है। जाके जैसे 14 दिन होते हैं, आप अब उस देश से या कतर से सऊदी जा सकते हैं या फिर दुबई जा सकते हैं। ये एक मेरी तरफ से सजेशन मैं दे रहा हूँ। बाकी भाई देखिए, इसका कोई भरोसा भी नहीं है कि वी सरकार कब कौन सी देश की फ्लाइट बंद कर दे, कोई कह नहीं सकते। इंडिया की बात करें तो कोरोना 27,000-26,000 पर डे आके पता है सीधा कितना पहुँच गया, 46,000 पर डे, जो अकेले केरल में आ रहा है, और 80% लोग दुबई जाने वाले गल्फ देशों में केरल के लोग हैं। तो मुझे तो ये भी डर लग रहा है भाई, यहाँ से धड़क रहा है कि पता नहीं क्या ओमान, ये जो सऊदी सरकार है क्या बोलते, क्योंकि इंडिया में आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देख लेना आजकल की न्यूज़ देखो आप, कहाँ 26,000 पर डे आके वापस 47,000 पहुँच गए भाई, तो डर तो लगेगा ना फिर। और ये केरल की सरकार पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आया भाई, उस पर अलग से बात करेंगे हम। तो ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है। बाकी सितंबर का जो फर्स्ट का मैं 7 दिन जो निकलेंगे ना, ये विजिट वीज़ा वालों लोगों का फैसला करेंगे, ये तय बात है, क्योंकि सितंबर अगला महीना है और अक्टूबर में तो एक्सपो 20 स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है, हर आदमी की ये सोच है, बड़े जो भी लोग काम करते हैं इससे रिलेटेड, विजिट वीज़ा से रिलेटेड, कि भाई जो आने वाला सितंबर का जो फर्स्ट वीक है ना, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसमें देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर उनको नहीं बुलाना होता तो वीज़ा क्यों दे रहे हैं। अगर वो वीज़ा दे रहे हैं, फिर अगर वो बोल देंगे सितंबर की हम फ्लाइट चालू नहीं करेंगे, तो वीज़ा का पैसा उनका को ताऊ देगा। वीज़ा का पैसा तो ले रहे हैं ना आपसे, वो वीज़ा दे के वीज़ा का पैसा ले रहे हैं। तो ये तो है कि बंद तो नहीं करेंगे वीज़ा, या फिर फ्लाइट बंद नहीं करेंगे विजिट वीज़ा के लिए। तो 100% सितंबर में फर्स्ट में आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। आप तैयारी करके रखें, बस ऐसे कमर बांध के बैग लटका के वो फौजी तैयार रहते हैं, बस फ्लाइट स्टार्ट हो तो भाई फ्लाइट टिकट बुक करके आप जा सकते हैं। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ देनी थी भाई, खास तौर से राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट के बारे में मुझे ये अच्छी न्यूज़ लगी, तो मैंने बता दी। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं दिल्ली जाने वाले, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है भाई। और दुबई के लिए फ्लाइटें स्टार्ट हैं, तो भाई धीरे धीरे और देशों के लिए भी हो जाएंगे, क्योंकि दुबई के लिए इसलिए है कि भाई दुबई की पॉपुलेशन है, यहाँ से बुकिंग होती है, कैसे भी पता लग जाता है, और देशों में जाने वाले कम है, इसलिए बाकी धीरे धीरे फ्लाइटें और भी स्टार्ट सितंबर के महीने में हो जानी है। बस ये अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।